दोस्तों कहने और आंकड़ों के हिसाब से तो इंडिया की बीएसएनएल चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन ऐसे आंकड़ों का क्या कीजिएगा जिसके बावजूद भी कंपनी घाटे से नहीं उबर पा रही है, कंपटीशन से बाहर जा रही है, कस्टमर्स लगातार साथ छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा दोस्तों आंकड़ा कस्टमर्स का साथ छोड़ चुका है। आज बीएसएनएल के बारे में ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों हम सब ने बीएसएनएल की सर्विसेज का इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर किया होगा। अगर डायरेक्ट हमने नहीं किया होगा तो कम से कम हमारी फैमिली ने तो लैंडलाइन या फिर मोबाइल सर्विस का इस्तेमाल जरूर किया होगा। एक वक्त ऐसा भी था जब बीएसएनएल के सिम कार्ड लेने के लिए या उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, महीनों पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, अधिकारियों के नखरे उठाने पड़ते थे और उसके बावजूद भी कभी कभी सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज वक्त दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुका है। आपको बता दूं कि 15 सितंबर 2000 को इसकी इनॉग्रेशन हुआ था और 1 अक्टूबर 2000 से कंपनी ने अपनी सर्विसेज को शुरू किया था। सबसे पहले सेलवन के नाम से अपने मोबाइल नेटवर्क को शुरू करने वाली बीएसएनएल अपने वक्त में दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, जो कि पोस्टपेड और प्रीपेड सर्विसेज में एक जाना माना नाम था। लोग एमएलए और एमपी जैसे सोर्सेज लगाते थे, ऐसा लगता था जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए सोर्स लगाने पड़ते हैं, इस तरह से इसके सिम कार्ड के लिए लगाने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों फिर प्राइवेट कंपनियों की इस कदर एंट्री हुई और इस तरह से मोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा कि बीएसएनएल लगातार निरंतर घाटे की तरफ और नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गई। इसमें दोस्तों कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि आखिर बीएसएनएल के साथ ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहला फैक्टर है कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद, केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, उसने बीएसएनएल को उठाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं की। जब कॉम्पिटिशन मार्केट में हद से ज्यादा बढ़ रहा था तब भी बीएसएनएल अपनी पुरानी सर्विसेज के साथ ही कस्टमर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और आलम यह है कि जब 4G सर्विसेज का एक बोलबाला था, हर प्राइवेट कंपनी स्पेक्ट्रम ज्यादा से ज्यादा चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज 4G नेटवर्क के लिए वो इंडिया में प्रोवाइड करा सके कस्टमर्स को। ऐसे में भी सरकारी कंपनी होने के बावजूद बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया। सरकारों ने बहाने कुछ भी बनाए हो, लेकिन दोस्तों कंपनी को गिराने में सरकारों का बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है इसके मैनेजमेंट का। क्यों मैनेजमेंट जब कंपनी घाटे की तरफ जा रही थी, जब कस्टमर्स को लूज कर रही थी, क्यों मैनेजमेंट को उस समय पर इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया कि वो मार्केट में कोशिश करे और भी ज्यादा फीचर्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करा सके। लेकिन इसमें दोस्तों पहले वाले फैक्टर का भी इसमें बहुत ज्यादा अंश आपको दिखाई देगा कि जब सरकार ही निराशावादी हो जाए किसी चीज को लेकर तो फिर मैनेजमेंट और कर्मचारी भी दोस्तों उसी तरफ ही सोचने लगते हैं और वैसा ही कुछ उनका चाल चलन भी हो जाते हैं। तीसरा फैक्टर यह है कि दोस्तों जब प्राइवेट कंपनियों ने जबरदस्त कंपटीशन देना शुरू कर दिया सरकारी कंपनी को, ऐसे में कंपनी के पास बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया था बाकी कि वो कस्टमर्स को ज्यादा प्रोवाइड करा सके कम से कम दामों में। और इसी यही एक सबसे बड़ा मेन वजह भी हो सकती है कि कस्टमर्स फिर प्राइवेट कंपनियों की तरफ देखने लगे। जिस तरह से जियो ने जब मार्केट में 4G नेटवर्क के साथ में एंट्री मारी थी, तकरीबन 2 साल फ्री सर्विसेज दी थी, तो ऐसे में बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट थी उनकी भी हालत खराब थी, तो बीएसएनएल तो दोस्तों और भी ज्यादा नीचे की तरफ गिरती चलेगी। बीएसएनएल इस समय तकरीबन मार्केट का जो ओवरऑल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें 10% की हिस्सेदारी इंडिया में रखती है। अब दोस्तों अगर सारे के सारे सर्कल्स की आप बात करें तो 10% हिस्सेदारी ना के बराबर है, क्योंकि जिस समय बोलबाला था टेलीकॉम इंडस्ट्री का इंडिया में, ढेर सारी कंपनियां काम कर रही थी, उस टाइम भी 10% जो हिस्सेदारी थी वो किसी रीजनल कंपनी की भी दोस्तों होती थी जो कि किसी एक या दो टेलीकॉम सर्किल में काम करती थी। अब ऐसे में वर्ल्ड अगर पूरे पैन इंडिया में कोई कंपनी काम कर रही है उसकी 10% हिस्सेदारी, तो आप सोच सकते हैं कि इतने इस समय बीएसएनएल के पास कितने कस्टमर्स बचे हैं जो कि रेगुलर उसकी सर्विस का यूज कर रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बता दूं जो कि बीएसएनएल ने खुद आरटीआई के जवाब में दिया है। दोस्तों ये जवाब आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तकरीबन पिछले अगर 6 सालों की बात करें, 78 मंथ्स की बात करें, तो बीएसएनएल ने जानकारी दी है कि अब तक तकरीबन 9,22,00,000 लोग उसकी सर्विसेज को छोड़ चुके हैं, यानी कि मोबाइल सर्विसेज के कस्टमर 9,22,00,000 कंपनी ने खो दिए हैं। उसके अलावा 1,18,00,000 के आसपास लैंडलाइन कस्टमर्स ने अपने कनेक्शन को विड्रॉ कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और यह आंकड़ा दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला है, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से सरकारें भी चाहती हैं कि
एक या दो कंपनियां मार्केट में बनी रहे और उसमें सरकारी कंपनी का कोई रोल रहे नहीं। आज भी आप यही देख रहे हैं कि मार्केट में चाहे कुछ भी हालत है, अभी तक बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया है। 8 महीने हो चुके हैं, सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने वादा किया था कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कभी एक दो महीने के बाद जो बोतल वाला जिन है वो बाहर निकल के आ जाता है और ऐलान हो जाता है कि 4G, अब 4G नेटवर्क के लिए बीएसएनएल 4-5 कंपनियों के साथ में बात कर रहा है, टेंडर निकाल रहा है, उसके स्पेक्ट्रम और उसका नेटवर्क जो है उसको स्टेबल करने के काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी दोस्तों पक्की तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब तक सरकारें इस कंपनी की तरफ देखती हैं, कब इसको राहत मिलती है, कब इसको जो इस समय मौजूदा जो स्पेक्ट्रम है, जो नेटवर्क कस्टमर्स की डिमांड है, क्योंकि मार्केट में अगर बहुत सारी चीजें एक कॉम्पिटिशन के दौर में अगर अवेलेबल है जो कि बेहतर है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स का यह राइट है कि वो बेहतर की तरफ जाएं, जहां सस्ता मिल रहा है, जहां अच्छा मिल रहा है। बाकी दोस्तों सरकार अपनी कंपनी के साथ में क्या कर रही है वो हम सबको पता है। आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दोस्तों नीचे दीजिएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों टॉपिक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।